अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, अजनबी हो, एक्सपर्ट हो, किसी भी देश से हो, सऊदी अरब में काम करने के लिए आए हो, तो आपके लिए एक अच्छी खबर सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है। मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो एक्सपर्ट के तौर पर, तो आपके लिए कुछ अच्छी अपडेट दी गई है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी कानून के अनुच्छेद 40 के अनुसार यह अपडेट दिया गया है, जिसमें गैर सऊदी प्रवासी के लिए कुछ जानकारी दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो, तो आपका जो भी इकामा का फीस है और जो भी सऊदी अरब में भर्ती का शुल्क है, मतलब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी आने जाने का खर्च है, चाहे वो मेडिकल का हो, इंश्योरेंस का हो, सऊदी अरब में इंडिया में टिकट का हो, इसके अलावा यानी टोटल यहाँ पर खर्च सऊदी नागरिक को देना होगा। ये अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है। यहाँ तक कि नवीनीकरण का फीस जो इकामा का है, वर्क परमिट और इकामा का जो पैसा बदलने का फीस है, इसके अलावा एग्जिट रेंट्री का फीस है, यहाँ तक अपडेट किया गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी अपने देश लौटता है तो उसका उड़ान का टिकट भी आपको देना होगा। आगे ये भी अपडेट किया गया है कि अगर कोई भी कर्मचारी काम करने में असमर्थ है, किसी भी तरह की दिक्कत है, वो अपने घर लौटने का फैसला करता है, तो उसका भी पूरा पेमेंट देना होगा। मतलब खुद कपिल जिम्मेदार होता है। आगे भी अपडेट किया दोस्तों, आगे जो अपडेट हुकूमत की तरफ से दिया गया है उसको सुनकर आप चौंक ही जाएंगे। मतलब यही है कि अगर आप अपने कपिल के पास में काम करते हो, कंपनी के पास में काम करते हो, अगर दूसरे कपिल के पास में जाना चाहते हो, तो जो भी शुल्क भुगतान होगा वो कपिल की ही जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर किसी भी वजह से आपको सऊदी अरब में दफनाया जाता है, मतलब किसी भी कारणवश कोई भी दिक्कत हो जाती है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है, तो उसका भी खर्चा आपका कपिल देगा। अगर आपको किसी भी तरीके से अपने देश भेजा जाता है, तो वहाँ का भी पेमेंट आपका कपिल देगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको सैलरी उठाना है, बाकी जितने भी खर्च होंगे आपके, वो सारे आपके कपिल की जिम्मेदारी होगी। बाकी इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।